फैब्रिक ले लिया है, इसमें सितारा वर्क हो रखा है। ये फैब्रिक काफ़ी कॉमन है, अगर आप शॉप पे जाएंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का ये फैब्रिक है, देख सकते हैं इधर दोनों साइड में इतना इतना गैप है जहाँ पे कोई भी वर्क नहीं है, तो हम इस वाले पार्ट को नहीं लेंगे फ्रिल्स में। हम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे हमारा जो वर्क खत्म हो रहा है वहाँ तक लेंगे सिर्फ। इसकी जो लेंथ है वो है 2.5 मीटर एंड इसकी जो विड्थ है वो है 32 इंचेस। 32 इंचेस बेसिकली ये वर्क वाला पार्ट है। तो इसकी जो विड्थ है इसे मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी, 8 8 इंच 4 पार्ट्स के लिए हो जाएगी। जहाँ से वर्क शुरू हो रहा है यहाँ से मैं यहाँ तक मार्क करूँगी, तो 8 इंचेस यहाँ पे आ रहा है और मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो सेकंड 8 इंच यहाँ पे आ रहा है सेकंड टाइम पे, तो यहाँ पे मार्क कर लूँगी। तो ये हमने इस तरीके से मार्क कर लिया, एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये वाला, थर्ड एंड फोर्थ वन। एक दूसरा मेथड ये है सिर्फ 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का, कि आप जो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था जो दोनों तरफ था पहले, वो मैंने हटा दिया है, तो आप भी इसे हटा दीजिए। उसके बाद में आप इसे बीच से फोल्ड कर लीजिए एंड इसे कट कर लीजिए, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो आप ईच पार्ट को फिर से फोल्ड कीजिए और फिर से एक कट लगा दीजिए, तो आपके पास 4 पीसेज आ जाएंगे जिनका आप फ्रिल्स बना सकते हैं। सो गाइज, इस तरीके से हमारे पास है 4 पीसेज, यू कैन सी हियर, और इनकी एक तरफ से मैंने इन्हें डबल फोल्ड करके हेम कर लिया है, और जो दूसरी तरफ है नीचे वाली साइड यहाँ से हम लोगों ने अभी तक कुछ भी हेम नहीं किया है। जब साड़ी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम लोग टेलर से पीको करवा लेंगे। इसके बाद में हमें थ्रेड एंड निडल लेना है, और जो डबल फोल्डेड साइड है उसके ऊपर हमें बड़े एंड लूज स्टिचेस देते हुए जाना है। तैयार किए, इन सबकी जो लेंथ है वो है 2.5 मीटर। शिफ्ट करने के बाद में ये कुछ 1 मीटर के अराउंड आ रही है। इस तरीके से हमारे पास 4 हैं, इनको जब ऐड करेंगे तो ये 4 मीटर से ज्यादा होगी। एंड में हमें एक गांठ लगा देनी है ताकि जो धागा है बाहर ना निकले, और इस तरीके से हमारी फ्रिल्स बन के तैयार हो जाएंगी। हम इन्हें अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं, जितनी आपको बीच में गैप चाहिए उसके अकॉर्डिंग। साड़ी की कटिंग एक डिफरेंट तरीके से होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हम साड़ी को एक राउंड मार के पहनेंगे और फिर नीचे से 8 इंच का गैप छोड़ के एक डॉट मार्क कर लेंगे। इसके बाद में फिर से हम लोग इसे एक और बार राउंड मार के पहनेंगे और नीचे से इस बार 16 इंच मेजर करेंगे और 16 इंच पे डॉट मार्क कर लेंगे। हमें बस इतना ही मार्क करना है। साड़ी के लिए आप कोई भी जॉर्जेट फैब्रिक ले सकते हैं। जो साड़ी की जो लेंथ है वो हाईएस्ट 4.5 मीटर होगी, मैंने यहाँ पे 4 मीटर ली है। सो गाइस, साड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और हमारा जो फर्स्ट मार्क हमने किया था वो ये वाला है, जो कि हमने 8 इंच का गैप छोड़ के किया था, और जो सेकंड मार्क है वो रहा दूसरा वाला। और जो ये फर्स्ट मार्क है, अब इस फर्स्ट मार्क से इधर की तरफ जो साड़ी की जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इस मार्क से पहले लाइन ड्रॉ कर दी है जहाँ से हमारी साड़ी स्टार्ट होगी वहां तक। तो ये वाला फर्स्ट मार्क है एंड ये वाला सेकंड मार्क है। अब यहाँ से यहाँ तक मुझे ऊपर की तरफ लाइन खींचते हुए जाना है डायगनली, तो मैं इसे इस तरीके से, एकदम से हमें ऊपर नहीं खींचना है, हमें कर्व बहुत ही स्लोली देना है। जो सेकंड पॉइंट था इससे 15 to 18 इंच तक हम थोड़ा सा डायगनली लेते हुए जाएंगे और उसके बाद में हम इसे स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट लाइन है ये आपकी साड़ी के एंड तक होगी। सो गाइज, यहाँ से साड़ी स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट राउंड था वो कंप्लीट हुआ था, तो हमने यहाँ से थोड़ा से इसे डायगनली दूसरा जो मार्क था वहाँ तक हमने इसे ज्वाइन किया बेसिकली इस तरीके से यहाँ तक। तो हमारा सेकंड पॉइंट था, इसके बाद में भी हम इसे थोड़ा सा डायगनली हमने मार्क किया था 15 से 18 इंचेस तक, और उसके बाद में वहाँ से हम लोग इसे स्ट्रेट लेके गए। तो वहाँ से जो बचा हुआ साड़ी का जो पोर्शन था उसे हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया है। अब बेसिकली हमें इसे इसी तरीके से कट करना है। सारी फ्रिल्स को एक साथ अटैच कर लिया है। अब जो फ्रिल्स की लेंथ है वो साड़ी के बराबर हो चुकी है। अब हमें साड़ी को रॉन्ग साइड रखना है एंड फ्रिल्स को भी रॉन्ग साइड रखना है। साड़ी के लोअर साइड को लेंगे और फ्रिल्स को लेंगे और इस तरीके से अटैच करते हुए जाएंगे। बेसिकली हम लोग स्टिच करते हुए जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम होती है स्टिच करने में तो आप पहले ऑल पिन से सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद में स्टिच कर लीजिए एंड अटैच करने के बाद में हमारी साड़ी हो जाएगी कम्प्लीट।